यदि पंचभूत शिवलिंगों को सामान्य रूप में पहचान पाना संभव नहीं है तो अब ऐसा कौन है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? वो जो सबका मार्गदर्शन करते हैं, जो स्वयं में बुद्धि स्वरूप हैं, जो प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता हैं, वही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। महादेव पुत्र पार्वती नंदन प्रथम पूज्य गणेश जी, प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रभु हमें पंचभूत शिवलिंग के बारे में बताने की कृपा कीजिए। सभी पंचभूत शिवलिंग अद्भुत हैं। श्री कालहस्ती इसमें वायु तत्व की प्रधानता है और ये तिरुकल्थी में स्थित हैं। शिव कांची पृथ्वी एकांबरेश्वर लिंग इस लिंग में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है और ये कांचीपुरम में स्थित हैं। अरुणाचालेश्वर अग्निलिंग जिसमें की अग्नि तत्व की प्रधानता है ये लिंग तिरुवन्नामलई में स्थित हैं। चिदंबरम आकाश थिल्लाई नटराज लिंग इसमें आकाश तत्व प्रधान है और ये चिदंबरम में स्थित हैं। और तिरुचिरापल्ली अप्पू अथवा जल जम्बुकेश्वर लिंग जो कि जल तत्व की प्रधानता वाला लिंग है ये लिंग तिरुचि में स्थित है। तो ये भी बताइए सर्वप्रथम कुमार कार्तिकेय इनमें से कौन से पंचभूत शिवलिंग की यात्रा करने जा रहे हैं? गणेश हमारे साथ नहीं आ सकता, मैं स्वयं ही उनकी पहचान करूंगा। उत्तर में स्थित सभी शिवलिंगों की यात्रा तो हम कर चुके हैं, तो यदि वो पंचभूत शिवलिंग वहां स्थित नहीं है तो अवश्य ही वो दक्षिण में स्थित होंगे। इसीलिए हमें अब दक्षिण दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। भ्राता आपने उचित पथ का चुनाव किया है। मैं प्रथम पंचभूत शिवलिंग के निकट पहुंचने में आपकी सहायता करूंगा। समय नहीं है, शीघ्र बताइए मुझे कि वो सर्वप्रथम कहां जाएंगे। नहीं भाखन जी, उनका पीछा नहीं करिए अपितु उन्हें वहां ले चलिए जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। क्यों, हम क्यों ले जाएं? ये कैसा प्रश्न है, उनकी सफलता में ही तो आपकी भी सफलता छुपी है। उनका कड़ा पूर्ण नहीं हुआ कि आपका उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। फिर असुर सम्राट का पुरस्कार आपके हाथों में होगा। क्यों, सत्य कहा ना मैंने? और इस अवधि में आप भ्राता के बारे में सब कुछ ज्ञात भी कर लेंगे जिसका वचन तो मैंने आपको पहले ही दिया था। शत्रु को उसकी संपूर्णता में जानना हो तो उसके बाहुबल उसकी मानसिक और आत्मशक्ति का पूर्ण परीक्षण करना चाहिए ना? उचित कहा, सर्वप्रथम बाहुबल का परीक्षण कर लेता हूँ। बस ये बताइए सबसे निकट पंचभूत स्थान कौन सा है? नदी स्वर्ण मुख के तट पर श्री काल हस्ती। मैंने अपना वचन निभा दिया तो अब मुझसे और किसी सहायता की आशा मत करना। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। तुम दोनों ऐसे खड़े मत रहो, चलो शीघ्र जाकर स्वर्णमुख नदी की ओर मोड़ो उन्हें, जहां मैं उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रभु इनके मन में तो कुमार कार्तिकेय के प्रति केवल शत्रु भाव है। मुझे कुछ नहीं करना मूषक जी, क्योंकि भ्राता की परीक्षा लेते लेते ये स्वयं उनकी दिव्यता से परिचित होकर उनका भक्त बनेगा। अर्थात ये तो सरल कार्य है, जो विकट है वो है भ्राता को विवाह के लिए मनाना। उसका उचित उपाय सोचना होगा मुझे। Thank you.
ये आपके भूत और भविष्य दोनों का संकेत है जो आप पर शीघ्र उजागर होगा। देवी, मैं आप दोनों को एक वचन देता हूँ कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। वो पूर्ण रूप से अपने पिता के ही समान, उन्हीं के समान पराक्रमी और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है मेरा पुत्र। अपने पिता के समान अपने मस्तक पर त्रिपुण धारण करता है वो, उसके नेत्र भी अपने पिता के समान दिव्य और तेजपूर्ण। देव सेनापति, अब हम किस मार्ग का चयन करें? ये जो दक्षिणी पश्चिम की ओर जा रहा है या फिर ये जो दक्षिणी पूरब की ओर जा रहा है? वहां कोई स्वर सुनाई दिया मुझे। प्रभु आज्ञा दे। प्रथम पंचभूत स्थान इसी दिशा में है, हमें शीघ्रता करनी चाहिए। हमें ये तो ज्ञात हो गया कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। क्षमा करें प्रभु, किंतु कदाचित ये मार्ग अधिक उत्तम होगा। हे स्वामीनाथा, मैंने अभी कुछ ऋषि मुनियों को उस दिशा में जाते देखा था। और हाँ, वो कह रहे थे कि वो पंचभूत की दिशा में गए हैं। तो अवश्य वो स्थान उसी दिशा में होगा। हमें शीघ्र नीचे की ओर बढ़ना चाहिए। उचित है, आइए। हो गया, कार्य सफल हो गया। प्रभु, ये दोनों इतना करने में तो सफल हुए। उनके स्वर्णमुख नदी के तट पर पहुंचने पर शेष कार्य तो आपको करना है मूषक जी। मुझे प्रभु? जब भ्राता भाखन के कारण वहाँ पहुंचने जा रहे हैं, तब आप मुझे भी शीघ्र श्रीकाल हस्ती ले चलिए। जी प्रभु। हम इतने समय से इस मार्ग पर चल रहे हैं तो उन ऋषि मुनियों से भेंट क्यों नहीं हुई अब तक जिन्हें वीरबाहु ने देखा था? और यहाँ यदि ऋषि मुनि थे भी तो भी वो पंचभूत स्थान को लेकर वार्तालाप कैसे कर रहे थे? उनके विषय में ज्ञान तो दुर्लभ है। कहीं कोई हमारे साथ छल तो नहीं कर रहा है? कोई हम पर दृष्टि रख रहा है। तुम्हें देखा होगा वो। नहीं नहीं, मैं तो स्थिर था, तुम पर दृष्टि गई होगी। मुझे फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। यही आ रहे हो? शक्तिशाली प्रतीत होता है। हाँ? तुम्हें को सामना करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आकार में बड़ा है, तुम्हें ही सामना करना उसका। आकार प्रकार कुछ नहीं जानता, तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें करना पड़ेगा। कुमार कार्तिकेय, भला हमारा पीछा कोई क्यों करेगा? इतना तो स्पष्ट है सूर्यदेव कि कोई ये अवश्य चाहता था कि हम इस मार्ग पर आएं।
किंतु यदि कोई ऐसा चाहता है तो वो हो कौन सकता? अरे मैंने कहा ना तुम्हें करना है। जब कोई अपने देवस्थान के मार्ग से भटक जाता है तो मंदिर का घंटा अपनी ध्वनि से उसका मार्गदर्शन करता है। गणेश, संकट फिर आए हाँ, इससे पहले निकल लेते हाँ, निकल लेते हैं। चलो हम उचित मार्ग पर ही हैं, आगे बढ़िए। उचित कहा प्रभु आपने, हमारे पीछे कोई था। तो सत्य में कोई चाहता था कि हम इस मार्ग पर आए। सावधान, सावधान। किसने भेजा है तुम्हें? यहाँ क्यों आए हो हमारे पीछे? ऐसे नहीं बोलोगे तो ये मेरी गदा बुलवाएगी तुमसे। रुको, आगे मत बढ़ना। हम छोटे जरूर हैं, पर दुर्बल नहीं है। हम आगे बढ़े तो धरती कंपित हो जाएगी। सेरन, धरती कंपित हो गई। हाँ मयूरन, हमें तो मालूम ही नहीं कि हम वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं। हम हाथ भी हिला देना तो पवंडर आ जाता है। अब जाओ यहां से। एक भी पग आगे बढ़ाया तो दूर जाके गिरोगे। अरे ये पत्ता भी नहीं हिला। अब इसका सामना करना होगा कार्तिके, तभी आगे बढ़ पाओगे तुम। अभी अभी तो घंटियों का स्वर सुनाई दिया था हमें, अब अचानक से यह दुष्ट असुर कहां से उत्पन्न हो गया? बाहुबली कार्तिके का सामना मेरा बलशाली असुर करेगा, शक्त बाहु। तभी मिलेगा उसके बाहुबल का परिचय। प्रभु, ये जो है शत्रु है, उस पर मुझे आघात करने का आज्ञा दीजिए। कार्तिकेय कौन है? सुना है बहुत बलशाली है, साहस है, तो आगे आए और सामना करे शक्त बाहु का। तुम्हारे लिए प्रभु को आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें तो मैं उनका सेवक ही पराजित करूंगा। रुको वीरबाहु, नहीं देवगण, आप सभी यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आया। वीर सेनापति, इसने मुझे चुनौती दी है,
इसीलिए इसका सामना भी मुझे ही करना होगा। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। माँ आप पुत्र कार्तिकेय की कितनी अद्भुत और सुंदर कृति बनाई है तुमने। अर्थात तुम्हारे मन मंदिर में पुत्र कार्तिकेय उसी प्रकार वास करता है जैसे मेरे मन में प्रभु महादेव। इसीलिए तो इतनी अद्भुत कृति बनाई है तुमने। सदा खुश रहो पुत्र। हे प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने तो बस आपकी मूरत बनाई है, किंतु प्रतीत ऐसा होता है जैसे आप वास्तव में यहाँ हैं। जैसे मेरे आज का नहीं कोई पहले का संबंध है आपसे। करना चाहते थे ना मुझसे, तो आओ करो युद्ध। युद्ध नहीं, मात्र एक प्रहर पर्याप्त है तुम्हारे लिए। इस बार नहीं बचोगे तुम। तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। ये असुर तो अत्यंत भयंकर प्रमाणित हो रहा है। मुझे ज्ञात है प्रभु, आप देवताओं को उनके संकट से, मेरे भ्राता जयंत को दुष्ट असुरों से मुक्त कराने, अनेकों संकटों का, दुष्ट असुरों का सामना निर्भयता से कर रहे होंगे। ये क्या कर रहे हैं देव सेनापति कुमार कार्तिक? अपने किसी अस्त्र का आवाहन क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ अधिक ही शक्तिशाली असुर भेज दिया है मैंने,
ये बालक शक्त बाहु का सामना नहीं कर सकेगा। प्रभु स्वामीनाथ की जय। प्रभु स्वामीनाथ की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। असंभव को कैसे संभव कर दिया इस बालक ने। आप जो भी कर रहे हैं उसमें मैं आपका ध्यान नहीं भटकाना चाहती, किंतु मेरे मन में तो बस आप ही आप हैं, कोई और विचार ही नहीं है। मेरा स्वर आप तक पहुंच रहा है, ऐसा आभास क्यों हो रहा है मुझे, जैसे आप मेरे सामने ही हो और मैं आपके सामने। कह रहा यह असुर तो अब शेष रहा नहीं, तो फिर देव सेनापति इतने स्तब्ध क्यों है? भ्राता के इस प्रकार स्तब्ध होने का क्या कारण है? कुमार कार्तिकेय के एक ही वार से उनके बाहुबल के प्रभाव से आपका असुर शक्त बाहु का बाहुबल फीका पड़ गया। नहीं, वो फीका नहीं पड़ा है। जब तक उसका एक भी भाग क्रियान्वित है वो मृत नहीं हुआ है, इसीलिए तो मैंने उसका चुनाव किया है। ये असुर तो पुनर्जीवित हो गया और देव सेनापति इस अवस्था में। चंचल मन को नियंत्रण में रखकर अपने लक्षित कार्य को पूर्ण एकाग्रता से करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। महादेव के महासोमवार में देखिए क्या है श्रीकालहस्ती का वो अविस्मरणीय रहस्य, जो बना विवाह का तीसरा संकल्प, कार्तिकेय विवाह अध्याय श्री गणेश के संग। देखिए विघ्नहर्ता श्री गणेश में।